तुलसी नर का क्या बड़ा, तुलसी नर का क्या बड़ा, तुलसी नर का क्या बड़ा, और समय बड़ो बलवान काबे लूटी गोपिया वही अर्जुन वही बा। तेरा कुछ भी बड़ा नहीं है, तेरा सिर्फ वहम और घमंड ही तेरा बड़ा है। जो भी टूटने में समय नहीं लगता, तुलसी नर का क्या बड़ा और समय बड़ा बलवान काबे लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बा। और समय समय में होत है समय समय की बात, एक समय को दिन बढ़ोनी एक समय को रात। आज समय रीडी बात बताऊला और एड़े एड़े लोगा रू उदाहरण इन धरती रे माथे दूला, इन भजन संध्या में दूला, ऐसे ऐसे लोगों का उदाहरण दूंगा। विचार करने पर हम लोग विवश हो जाएंगे कि उन लोगों का भी समय पलटा है तो हमें घमंड किस बात का। अगर थारे मन में आ घमंड है कि तू अमीर है, तू बलवान है, तू खूबसूरत है, तू धनवान है, तो थारो वहम झूठो है। क्योंकि इन धरती रे माथे बड़ा बड़ा बलवंती उदय धरती रे माथे आन गया, पर अड़ीक और अमर रहनो सिर्फ आत्मा रही वश में रहो, और वही हमेशा जीव अमर रहो है जो इन धरती रे माथे प्रेम और भगवान विभक्ति बांट रहे हो। क्या समय समय में होते हैं समय समय की बात, और एक समय को दिन बढ़ो नी एक समय की रात। हो कदे कदे गीत रासू शेर हार जावे, समय को भरोसो होनी कदे पलटी मार जावे। समय की गति के साथ इस प्रकार चलो कि समय अपना पलटी खा ही नहीं पाए। पर समय हमसे बहुत तेज है, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा लोगों ने आपकी चपेट में ले लिया, इतना बड़ा बड़ा लोगों ने समय पलट गयो। कदे कदे गीत रासू शेर हार जावे, कदे कदे गीत रासू शेर हार जावे, समय को भरोसो कोनी कदे पलटी मार जावे, समय को भरोसो कोनी कदे पलटी मार जावे। गुरु वशिष्ठ महागुण ज्ञानी लिख लिख बात बतावे, ये गुरु वशिष्ठ महागुण ज्ञानी लिख लिख बात बतावे, कि रामचंद्र जंगल में जावे किस्मत पलटी खावे, रामचंद्र जंगल में जावे किस्मत पलटी खावे। कि भगवान राम जब वनवास काल में जावे तो स्वयं भगवान राम रूपी समय पल जावे, क्योंकि बारे पितारो जब देवांत होवे तो बार खुद अपने पिता रे भगवान स्वयं तीन त्रिलोकी रो नाथ आपरे पिता रे अर्पी ने कंदोली दे पावे। राजा दशरथ प्राण त्याग जब राजा दशरथ, राजा दशरथ प्राण
राजा की बेटी पद्मा कहीं मोर लार परनाई। राजा की बेटी पद्मा कहीं मोर लार परनाई। मोर जाए जंगल में मर गए किस्मत पलटी। मोर जाए जंगल में मर गए किस्मत पलटी। राजा भीष्म राव रे सात पुत्रिया ही, छेरी तो शादी हो गई लेकिन पद्मा कवारी ले गई। राजा भीष्म राव अपनी पुत्री ने कहो कि पद्मा थारो भाग केड़ो है। पद्मा भी आपने अभिमान बस के दियो कि पिताजी मैं बाप कर्मी नहीं हूं, मैं आप कर्मी हूं और मारो भाग मैं स्वयं लिखूला। राजा भीष्म ने बड़ो क्रोध आ गयो कि मारी छोटी सी पद्मा, मारी बेटी सबू छोटी और मारे ऊपर इतना क्रोध करके वे। राजा भीष्म स्वयं भगवान की परीक्षा लेवन नवास्ते आप सैनिकों ने आदेश दे कि जाओ इन नगरी से बाहर और पहलो जो भी मोर या कोई भी जीव अगर पहलो भी मिले, कोई भी पुरुष मिले, उन जीव ने उठा लाओ और पद्मा ने पलड़ा और भेज दो। सैनिक जावे जू ही द्वार से बाहर निकले तो एक मोर सामने आवे, वो दिन भर घूम और पाछा जावे। दूसरे दिन फिर जावे तो वही मोर सामने आवे। तीसरे दिन फिर जावे तो वही मोर सामने आवे। राजा जी आदेश देवे कि हो कहीं रहे हमारी नगरी में बताओ। सैनिक के में राजा जी जब भी आपकी नगरी से बाहर कदम रखा तो एक मोर आवे। राजा भीष्म ने कहो कि आज देखो भगवान रो प्रताप कि वास्तव में भगवान आप बात सत्य है कि लोग आप रो कर्म रो खावे या बाप रे कर्म रो। राजा भीष्म राव कलोबा नगर के भावे बेचारे कन्या साने कलयो पर नहीं पावे। ये राजा भीष्म राव कलोबा नगर के भावे बेचारे कन्या साने कलयो पर नहीं पावे। ये राजा मन चिंता करे रे पुत्र न दीनावे। राजा जी ने आदेश माते सैनिक व मोर ने लावे और पद्मा ने पलना बिचारी ने भेज दे। वो मोर जंगल में जावे और मर जावे लेकिन पद्मारो भाग शिव शंकर भगवान और माँ पार्वती प्रसन्न हुए और पद्मारो भाग देखो वह जीव तो मोर राजा मोर धजरे नाम से धरती माते के भावे। मेरी भाई शिव जी की ऐसी राजा भरतरी रानी पीला महला में सुख पावे।
और शिकार खेलन जंगल में जावे किस्मत पलटी खावे। राजा भर्तृहरि मालवा साम्राज्य रो वो राजा जो भारत री विभिन्न विभिन्न सीमा रे माथे आपरो राज कर बैठो। आपरी रानी पिंगला से बहुत अधिक प्रेम करतो और रानी पिंगला भी आपरे राजा मु बड़े प्रेम करता। एक बार राजा भर्तृहरि रे दरबार गोरखनाथ जी भगवान पधार्या। अलख जगाई अलख निरंजन रानी पिंगला भिक्षा ले भागती भागती आई और गोरखनाथ जी की झोली में भिक्षा गाली। देखिए समय की बात इसलिए आप लोगों को बताना चाहूंगा, समय की गति को हम लोग रोक नहीं पाते ना समय के वेग को हम मोड़ पाते हैं, पर उस समय में रहकर हमें किस प्रकार अच्छे काम करने, किन प्रकार अपारे लोगों से अपना मीठा बोला, किन प्रकार प्रेम से रेवा वो बात। भर्तृहरि दरबार माते राजा गोरखनाथ जी महाराज आया और अलग जगाई तो रानी पिंगला भिक्षा ले आई और राजा गोरखनाथ जी बाप जी ने झोली रे मायने वा भिक्षा डाल दी। गोरखनाथ जी आशीष दियो कि जा रानी थारो राजा जोगी बेला। रानी पिंगला बड़ी क्रोधित हो गई कि आप मैं आपने भिक्षा डाली, मैं आपने वचन रे कायर माथे महल सु भागती भागती आई और आपने भिक्षा दी और आप मने शराब दे रहा हो कि जा थारो राजा जोगी बेला। गोरखनाथ जी महाराज कहो कि देख रानी पिंगला जो गोरख रे मुख सु निकल गयो वो बात सत्य बेला, तू थारा हजार जतन कर ले। रानी पिंगला गोरखनाथ जी रे पैरों में गिर गोरखनाथ जी ने विनती करे कि हे गोरखनाथ अगर मारे